गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। तो आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे र के विविध रूप। तो आज का हमारा टॉपिक है र के विविध रूप। आपने देखा होगा कई बार जो र है वह किसी वर्ण के कभी ऊपर आती है, कभी उसके पद में आती है, कभी नीचे बिल्कुल पदबिन पदेन भी लग जाती है। तो ये र के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। आज हम उनको बारीकी से करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर एक पे नियम है, र इनके स्वर रहित र अपने बाद के वर्ण के सिर पर लगता है तो हम उसे रेफ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ की मात्रा। जैसे व, र और ण मिलकर क्या बन गया? वर्ण। और जो र है वह किसके ऊपर लग जाती है? ण के ऊपर। ण से जो पहले इसका उच्चारण होता है, जैसे हमारा है व जमा र जमा ण, क्या बन गया? वर्ण। ठीक है। इसी प्रकार जैसे और भी अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं, कर्ण है, पर्ण है, सर्प है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वह रेफ की मात्रा के उदाहरण है। दूसरा जो नियम है, स्वर सहित र जब स्वर रहित वर्ण में जुड़ता है तो अपने पहले आने वाले वर्ण की पाई के नीचे लगता है। जैसे हमने शब्द देखते ना, प्रकाश, प्रदीप। ठीक है। इस प्रकार के प्रगति, जो इस प्रकार के शब्द है उनके वह पद के नीचे लगता है र। कैसे? जैसे प जमा र जमा ग जमा ती, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? प्रगति। ठीक है। प्रकाश, इस प्रकार के जो शब्द है वह इस नियम के कारण बनता है। तो अगला नियम हम देख लेते हैं कि जब स्वर रहित र जब बिना पाई वाले, इसके अंदर पाई नहीं होती, जब बिना पाई वाले वर्णों से जुड़ता है तो र का रूप ले लेता है। जैसे हमने शब्द देखे हैं, जैसे ट्रक है ना, और ड्राम है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें यह रे का, र का उपयोग किया जाता है। जैसे ट जमा र जमा क, क्या बनेगा हमारा? ट्रक। तो यह बिना पाई के नीचे जो शब्द होते हैं उनके नीचे लग जाती है। चौथा नियम देख लेते हैं, जब हमारा सेम व्यंजन श्र, श और र, श में जब र जुड़ता है तो श का रूप ही बदल जाता है। क्या हो जाता है? उसका रूप ही बदल जाता है, वह संयुक्त व्यंजन बन जाता है श्र। जैसे हम वाक्य देख लेते हैं, सेंटेंस देखे, इसका शब्द बनाते हैं, श जमा र जमा म जमा अ, क्या बनेगा? अब यहाँ पे जो हमें दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनका हमें क्या बनाना है? श्र। क्योंकि श जमा र बन के संयुक्त व्यंजन बन जाता है हमारा, और हमारे पास जो शब्द आता है वह आता है श्र। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पांचवा नियम है, री का नियम। री शम में एक अलग मात्रा है क्योंकि री शम में पूर्ण स्वर है, और जब यह स्वर रहित किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो इसकी पाई में स्थित हो जाता है। आइए हम देखते हैं कैसे। क जमा री जमा पा, तो जो इससे नया शब्द बनेगा री जो हमारा है, इसकी मात्रा कैसे लगेगी? यह है शब्द जो नया बनता है वह निकल के आता है कृपा। ठीक है। तो आज का जो वीडियो था हमारा टॉपिक र के विविध रूप यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। ठीक है। तो अगले वीडियो में वह करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।